पुरानी ट्रेन। ये ट्रेन रोज रुकती है नए स्टेशन पर, मिलाती है आपको एक नई कहानी और कई नए किरदारों से। तो सब सवार। आज की कहानी है दीदी का रंग बिरंगा खजाना। इसे लिखा है रुक्मिणी बैनर्जी ने। एक बड़े शहर के किनारे कुछ बच्चे रहते थे। उनके घर के नजदीक एक बड़ा मैदान था। मैदान अजीब किस्म का था। वहां ना पेड़ थे ना पौधे, बस कचरा ही कचरा था। पूरे शहर की फेंकी हुई चीजें और गंदगी से भरा हुआ रहता था। वे बच्चे स्कूल नहीं जाते थे, पूरा दिन मैदान में घूमते थे, प्लास्टिक की बोतलें खोजते थे, कपड़े के टुकड़े निकालते थे। कचरे के बारे में वो बहुत कुछ जानते थे। एक दिन दीदी कचरे के मैदान में आई। गले में लाल दुपट्टा ओढ़े हुए थी। घूमते फिरते बच्चों की तरफ ताकते हुए वो एक जगह पर बैठ गई। अपने थैले से कुछ निकाल कर देखने लगी। पहले बच्चे दूर से घूर रहे थे, फिर थोड़ा करीब आकर देखने लगे। दीदी के पास खूब सारी किताबें थीं, मोटी पतली रंग बिरंगी कहानियों से भरी हुई किताबें। बच्चे और पास पास आते गए। दीदी रोज आने लगी, बच्चे भी दीदी के पास आने लगे, दीदी से खूब कहानियां सुनने लगे। कुछ दिनों में वे अक्षर और शब्द पढ़ने लगे, धीरे धीरे कहानियां बताने लगे। चलो दीदी की जगह को खूबसूरत बनाएं। बच्चे कचरे से एक कुर्सी टेबल ले आए, कोई गलीचा लाया, कोई पर्दा, कहीं से कुछ सामान का टुकड़ा लाया, जो भी कचरे में पाया। दीदी नहीं आई, अगले दिन भी नहीं आई। परेशान बच्चे इंतजार करते रहे, बातों बातों में किताब पढ़ने लगे, अपने आप पढ़ते पढ़ते औरों को पढ़ाने लगे। एक दिन उन्हें दीदी का पता किताब में मिल गया। बच्चे तुरंत दीदी की खोज में निकल पड़े, साथ में किताबों का थैला उठाना नहीं भूले। खोजते खोजते बच्चों ने एक बस का नंबर पढ़ लिया। चलते चलते उस सड़क का नाम समझ लिया, क्योंकि दीदी ने उन्हें सब सिखाया था। दीदी का घर कहाँ है, इधर है कि उधर है? खोज खोज कर बच्चे परेशान हो गए। थक कर वापस जा ही रहे थे कि किसी ने एक लाल दुपट्टा देखा। दीदी बिस्तर पर लेटी थी, बीमार और उदास दिख रही थी। चेहरे पर ना कोई मुस्कान ना कोई चमक थी। डॉक्टर ने दवाई दी थी, पर दीदी ठीक नहीं हो रही थी। बच्चे दौड़कर वहां पहुंच गए, दीदी को एकदम गले लगाया, किताबों का थैला उन्हें दिखाया, बच्चों ने कुछ पढ़कर सुनाया। दीदी फिर से मुस्कुराने लगी, उनकी आंखों की चमक वापस आने लगी। अब दीदी फिर से आने लगी हैं, सभी बच्चे इकट्ठे होने लगे हैं, रोज शाम को मिलने लगे हैं, खूब हंसने और पढ़ने लगे हैं, मिलकर मौज मस्ती करने लगे हैं, बच्चे दीदी और उनकी किताबें। आशा है ये कहानी आपको पसंद आई होगी। ये कहानी आपके लिए लाए रेखता, नई धारा और प्रथम।